भाई लोगों, बस 3 दिन और हमें तीसरे दिन में यानी 27 जून को इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी, बहुत बड़ी मूवी कल्कि 2898 एडी मिलने वाली है। जो बाबा बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, बहुत कुछ प्रॉमिस करके गए हैं। उसका फर्स्ट ट्रेलर एंड सेकंड ट्रेलर आज बात करेंगे। सेकंड ट्रेलर में अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा यानी अपना प्रभास यानी अमिताभ बच्चन की आपस में लड़ाई के बारे में, क्योंकि मूवी में भाई विलेन सीधा सीधा मालूम है कि कमल हसन होने वाला है, जो एआई रूप हमें उसका देखने को भी मिला है, लेकिन वो एक स्मार्ट सिटी का गॉड कहलाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में विलेन वही होने वाला है। तो क्या कली का रूप वही होने वाला है, कली भी विलेन वही होने वाला है? बहुत कुछ कंफ्यूजन चल रहा है बाबा, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा था, यानी बताया क्या, अभी तक माना ये जा रहा था कि कल्कि का जो अवतार होगा वो प्रभास का होने वाला है, लेकिन साफ क्लियर एंड क्लीन चिट मिल चुकी है कि भाई साहब कल्कि का अवतार कोई और होने वाला है, जो दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा है, जो कल्कि का अवतार यानी भगवान विष्णु का लास्ट अवतार होने वाला है कल्कि। लेकिन भैरवा यहाँ प्ले कर रहा है एज विलन, क्योंकि अश्वत्थामा का रोल अपना अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, जिनको वरदान है या सांप कह सकते हैं जो श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको कलयुग में कल्कि को डायरेक्शन देनी है, उसकी रक्षा करनी है। और इसी चीज़ की शायद बात हुई होगी जो भैरवा उसको मारने के लिए आता है, किसको, दीपिका पादुकोण को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के रूप में काम कर रहा है और उसको स्मार्ट सिटी के जो गॉड होने वाले हैं, जिन्होंने फ्यूचर पहले ही देख लिया है कि यस ये सब होने वाला है, तो क्यों ना कल आने की बजाय आज को ही नष्ट कर दें। तो भाई साहब बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी बैटल्स हमें देखने को मिलने वाली हैं अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में, जहां पर अश्वत्थामा फुल शक्ति वाला फुल मैजिकल पावर के साथ हर बार भैरवा पे टूटेंगे और कई बार इन दोनों का आमना सामना होगा, जिसमें हर बार वो भैरवा को हराने वाला है। लेकिन भैरवा यहाँ पर फुल चतुर चालाक है, AI जनरेटेड, वो साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा करता है और साइंस की मदद से उसने बुज्जी को फॉर्म किया है। देन उसके बाद बुज्जी जो कार है वो भाई साहब रोबोट का भी रूप लेते नजर आ रही है, भाई साहब ट्रांसफॉर्मर का सीन भी याद आ गया इस, और दूसरा अवतार एंड अवतार सेकेंड पार्ट का वो वाला मोमेंट याद आ गया जो कॉलेनल अपने रोबोट चलाता है, सेम वैसा ही है। लेकिन भाई साहब फर्स्ट पार्ट में अश्वत्थामा को ही एज मेन लीड पर दिखाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम इस ट्रेलर 2 में तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम अश्वत्थामा को ही दिया गया है, तो हो सकता है कि पूरे फर्स्ट पार्ट में अश्वत्थामा पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करा जाएगा, क्योंकि महाभारत का भी एक पार्ट दिखाया जाना है, वो पार्ट भी अधिकतर दिखाया जाएगा जब अश्वत्थामा भीषण पांडवों पर टूटे थे बुरी तरीके से। देन उसके बाद अश्वत्थामा का शायद वो वाला रोल भी दिखाया जा सकता है महाभारत में ही, जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि उसके पिताजी यानी द्रोणाचार्य की हत्या करी गई है, वो भी छल कपट से, तो वो रात में शिविर में घुस के, पांडवों के शिविर में घुस के ही उनके वंशज जो बेटे बच्चे हैं होते हैं पांडवों के, उन सबका नाश कर देता है, सबको मौत के घाट उतार देता है रात में ही, जहाँ से श्री कृष्ण उसको साफ देते हैं कि तुझे कलयुग तक जिंदा रहना पड़ेगा और ये जो तेरे माथे पे मड़ी है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पर। तो वैसा वो कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि कल्कि का रूप कौन होने वाला है, क्योंकि भैरवा को सीधे क्लीन चिट मिल चुकी है, यानी प्रभास को क्लीन चिट मिल गई है कि भाई साहब वो तो खैर नहीं होने वाला है। हाँ ये बात भी बहुत आ रही है निकल के कि यस प्रभास के मल्टीपल रोल होने वाले हैं, और ये भी निकल कर आ रहा है कि इस पूरे मूवी में, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद 2 और आने हैं, तो भाई साहब बहुत बड़े बड़े कैमियोज हमें देखने को मिलेंगे, और कोई 15 से 16 कैमियोज हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से पूरे पूरे सभी चिरंजीवियों के रोल भी हमें देखने को मिलेगा, जिसमें से अभी सिर्फ एक ही चिरंजीवी पर फोकस कर रखा है, वो है अश्वत्थामा, जो भाई बहुत पावरफुल दिखाए जा रहे हैं, वो हाइट में भी लंबे हैं डिलडॉल, देन उसके बाद मैजिक पावर उनके पास अधिकतर काफ़ी खतरनाक है, जो हर बार भैरवा पर टूट के बरस रहे हैं और अच्छा खासा प्रोटेक्ट कर रहे हैं दीपिका पादुकोण को। तो बाबा क्या होने वाला है, क्या नहीं, इन दोनों की लड़ाई किस हद तक भीषण होने वाली है और किस मोमेंट पर इन दोनों को पता लग जाएगा कि भाई साहब हमारी लड़ाई ये नहीं है, हमारी लड़ाई कोई और है, जहां पर से अश्वत्थामा तो पहले ही फोकस एंड क्लियर है, लेकिन भैरवा को ये रियलाइज होने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इंटरवल तक शायद ये रियलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद वो ऊपर जो एक्चुअल विलेन है उस पर फोकस करेंगे दोनों मिलके, कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस में ये मूवी कमाल धमाल नहीं बवाल करने वाली है। तो किस हद तक बवाल कर जाएगी भाई साहब, मैं मान के चल रहा हूँ 3000 करोड़ ये मूवी इजीली ला सकती है अपने खाते पर। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, बाकी मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।